ये बिचौलिए हरियाणा से भगा के छोड़ा गया। इसलिए भाई बहनों, ये बहुत बड़ा कैंसर का रोग है, इसको हम खत्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहना की कि हरियाणा की तरह देश के बाकी प्रांतों को भी लागू करना चाहिए। और कल इन भाइयों ने क्या कर दिया मालूम क्या किया? हम आएंगे तो ये जो पढ़े लिखे वाली कंडीशन है इसको खत्म कर देंगे। शर्म आनी चाहिए। एक कदम हम आगे बढ़े हैं। अरे अनमने मने से स्वीकार कर लो, उस पर ना बोलो, केवल विरोध के लिए विरोध करना है, जनता कैसे स्वीकार करेगी आपको बात को? कल को भूला भटका कोई बाहर से आ जाए ना, उसकी गाड़ी रोक लियो, उसकी गाड़ी रोक लियो, कोई बता के जा, कोई भी हाथ के पंजे का निशान वाला झंडा लगी हुई गाड़ी आएगी एक आध, ऐसा नहीं है। करना प्रेम से बात, परेशान मत करना किसी को। वैसे हरियाणा का मैं 5 बार राउंड पूरा कर चुका हूं, ये 6ठा राउंड इस चुनाव से पहले पूरा होगा। और मैं दावा करता हूं कि किसी मुख्यमंत्री ने 6 बार हरियाणा को कभी भी पूरी तरह से नहीं घूमा होगा। हमारे लिए वरदान है, हम आगे चल करके ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि अभी तो यमुना जी में पानी 4 महीने चलता है, बाकी तो थोड़ा बहुत कभी बरसात आ गया कभी इससे उससे चलता है, लेकिन आगे चल करके जैसे लखवार डैम पूरा होगा, किसाऊ डैम पूरा होगा, रेणुका से पानी मिलेगा, दिल्ली का भी उसको कुछ हिस्सा जाएगा, ये 4 महीने बहने वाली यमुना 8 महीने बहा करेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।